हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रास आईएएस। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे चैनल पे एक सीरीज है फोकस प्रीलिम्स 2020 सीरीज, जिसमें हम सारे जो भी करंट अफेयर्स हैं फ्रॉम 1 जनवरी 2019 टिल 1 मई 2020 हम सारे के सारे डिस्कस करेंगे जो भी आपके प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रीलिम्स 2020 जिसकी नोटिफिकेशन आ चुकी है। तो अभी तक हमारा जो फॉर्मेट था उसमें आई यूज टू डिस्कस द क्वेश्चंस एज वेल एज द आंसर्स, बट आई वाज नॉट एबल टू टेक योर डाउट्स। दैट इज व्हाई हम मंडे से जो फोकस प्रीलिम्स का क्लास होगा, एमसीक्यूज का सेशन होगा, उसको लाइव करेंगे। इससे आपके जो भी एमसीक्यूज हैं उसका प्रैक्टिस भी आप कर पाएंगे एंड जो भी आपके उस करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप साथ के साथ क्लियर कर पाएंगे। सो इफ यू वॉन्ट टू सी द प्रीवियस वीडियोज यू कैन विजिट आवर चैनल एंड वहां पे आप फोकस प्रीलिम्स 2020 की जो प्लेलिस्ट है आप उसको फॉलो कर सकते हैं, पुराने करंट अफेयर से देख सकते हैं। हर वीडियो के साथ आपको उसका एक पीडीएफ भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सारे एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द नोटिफिकेशन एंड सी यू ऑन मंडे एट 1 PM। थैंक यू सो मच। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राज मल्होत्रास आईएएस। दिस इज द फोकस प्रीलिम्स 2020 सीरीज इन विच वी आर गोइंग टू कवर द करंट अफेयर्स इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ वीक 1 ऑफ मई 2019। The first question is, the generalized system of preferences is a trade of which of the following country organization? तो इसमें हमें country recognize करनी है जो generalized system of preferences है, जो ये trade program चलाता है वो कौन है? WTO, USA, European Union या India? So the correct answer is USA. जो न्यूज में था जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस, क्योंकि इंडिया के काफी प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें अब ये प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। है क्या जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस? ये एक ट्रेड प्रोग्राम है यूएस का, जिसमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इकोनॉमिक ग्रोथ प्रमोट करने के लिए यूएसए उन कंट्रीज के कुछ प्रोडक्ट्स को ड्यूटी फ्री एंट्री देता है अपनी कंट्री के अंडर, जिसमें कुछ डेजिग्नेटेड बेनिफिशियरी कंट्रीज हैं एंड कुछ लिस्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिनको जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इंडिया को भी ये एक्सेस मिलता था, लेकिन अब इंडिया के काफी प्रोडक्ट्स हैं उन पे ये एक्सेस खत्म कर दिया गया है, क्योंकि यूएसए सेज इंडिया इज नो लॉन्गर एलिजिबल फॉर द जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस के थ्रू एक तो प्रमोट होते हैं एक्सपोर्ट पुअर कंट्रीज से, जिनसे कि उनका डेवलपमेंट होता है और वो अपना ट्रेड डाइवर्सिफाई कर पाते हैं यूएसए के साथ। नेक्स्ट इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एनवायरमेंटल पोल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी ईपीसीए। ईपीसीए इज अ सुप्रीम कोर्ट मैंडेटेड बॉडी टास्क विद टेकिंग वेरियस मेजर्स टू टैकल एयर पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन। It was notified in 1998 by Environment Ministry under the Air Prevention and Control of Pollution Act 1981. तो इसमें भी हमें करेक्ट ऑप्शन ही देखने हैं। पहला बिल्कुल सही है, सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेट किया था कि एक अथॉरिटी बनाई जाए जो कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन टैकल करेगा सिर्फ नेशनल कैपिटल रीजन में। तो आपको ये याद रखना है कि जो ईपीसीए है इट इज फॉर द नेशनल कैपिटल रीजन, इसमें जो मेंबर्स हैं वो भी नेशनल कैपिटल रीजन के ही होते हैं। सेकेंड जो है वो स्टेटमेंट गलत है, इट वॉज नोटिफाइड बाय द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट नॉट द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट। तो इसमें फिर जो वन स्टेटमेंट है वही सही है। इट वॉज हैविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ एनवायरमेंट एंड कंट्रोलिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द नेशनल कैपिटल रीजन एंड इट इज अंडर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये सुप्रीम कोर्ट को भी असिस्ट करता है कोई भी एनवायरमेंटल रिलेटेड मैटर्स हो उस रीजन के, तो इट असिस्ट द सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज, कंधमल हल्दी फेमस फॉर इट्स हीलिंग प्रॉपर्टीज हैज रिसीव्ड द जीआई टैग। इट बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ए तमिलनाडु, बी ओडिशा, सी वेस्ट बंगाल एंड डी उत्तर प्रदेश। सो द करेक्ट आंसर इज बी ओडिशा। वहां की हल्दी है जो ट्राइबल्स हैं वो इसको काफी ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एंड इसको रिसेंटली जीआई टैग मिला है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। सो आपको मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है कि कंधमल हल्दी जो है वो उड़ीसा को बिलोंग करती है।
Next is consider the following statements regarding the global report on food crisis. It is a report released jointly by the FAO, World Food Program, and the European Union. The FAO is a specialized agency of United Nations that leads international efforts to defeat hunger. तो इसमें भी हमें correct options ही देखने हैं. पहला statement सही है, जो global report on food crisis है, इन्हें तीन लोग मिलके बनाते हैं. एक है FAO, Food and Agricultural Organization, दूसरा है World Food Program, and तीसरा है European Union. And जो FAO है, उसका main मकसद है कि दुनिया में जो hunger है, उसके लिए efforts करने हैं, उसको defeat करना है. और ये United Nations की एक specialized agency भी है, so both 1 and 2 are correct. Next is consider the following statements regarding the ways and means advances. ये आपके basic economics का part है और ये news में भी था, इसलिए इसका importance increase हो जाता है. Under the WMA, the Reserve Bank of India gives temporarily loan facilities to center and state governments as banker to government. तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ पे mentioned है कि जो WMA है, it is available for both center or state or not. Second, interest rate for WMA is currently charged at the repo rate. The limits of WMA are decided by the RBI. तो इसमें हमें incorrect options देखने हैं. पहला statement जो है वो बिल्कुल सही है. जो WMA है, ये loan facility provide करता है दोनों center को भी and states को भी, जब उनका mismatch हो जाता है receipts and expenditure में. And second is also right, जो interest rate है वो repo rate पे charge किया जाता है. Third is wrong, जो WMA का limit है वो RBI और government दोनों मिलके decide करते हैं. So this statement is wrong. So 1 and 2 are right. So incorrect is 3 only. ये 1997 में इंट्रोड्यूस किया था ताकि जो गवर्नमेंट है वो आर्बिट्रेली जो पैसा है वो नहीं रेस कर सकती है अपने डेफिसिट को फाइनेंस करने के लिए. कि ठीक है, डेफिसिट फाइनेंस हो गया, आपने ट्रेजरी बिल्स मार्केट में लॉन्च कर दिए और फिर आप उसमें बाद में इंटरेस्ट पे कर दो. तो फिर वो चीज को रोकने के लिए WMA का प्रोविजन लेके आया था कि एक लिमिट सेट कर दी गई थी कि इतने लिमिट से ज्यादा जो गवर्नमेंट है वो RBI से बोरो नहीं कर सकती. एंड WMA हैव टू बी वेकेटेड आफ्टर 90 डेज. अब जितना भी लिमिट सेट होता है उसके अलावा गवर्नमेंट को और पैसा चाहिए तो हम उसको बोलेंगे ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट जो गवर्नमेंट बोरो करता है वो 10 दिन के लिए कर सकता है और इंटरेस्ट रेट होगा रेपो रेट प्लस 2%. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे रेस करने के लिए है, टेम्परेरीली वो पैसे ले सकते हैं और एक लिमिट सेट होता है, उतने ही पैसे ले सकते हैं. अगर उससे ज्यादा पैसे लेते हैं तो फिर एक्स्ट्रा पेनल्टी रेट चार्ज किया जाता है जो है कि रेपो रेट प्लस 2%. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग आफ्सपा. द सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली कैन डिक्लेयर द होल और पार्ट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी एज डिस्टर्ब्ड एरिया अंडर आफ्सपा. इट वॉज फर्स्ट अप्लाइड इन असम. तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं. तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स हमारे गलत हैं क्योंकि जो आफ्सपा है उसे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं डिक्लेयर कर सकता, जो वहां के गवर्नर होते हैं स्टेट के, या अगर यूटी में आप आफ्सपा लगा रहे हैं तो यूटी के जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वो भी आफ्सपा को अप्लाई कर सकते हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. एंड आफ्सपा सबसे पहले नागालैंड में अप्लाई किया गया था. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो नाइदर वन टू आर करेक्ट. अब आफ्सपा में किसी एक एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है जहां पे आफ्सपा को इंप्लीमेंट करना चाहती है गवर्नमेंट. वहां पे कोई भी टाइप का डिस्प्यूट की वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, चाहे रिलीजियस इशू हो, रेशियल हो, लैंग्वेज का इशू हो, कास्ट और कम्युनिटीज में किसी भी टाइप का डिस्प्यूट होता है तो उसको डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया जा सकता है. कर कौन सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकती है, गवर्नर ऑफ द स्टेट भी कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूटी भी कर सकता है, जिसके लिए उन्हें एक सूटेबल नोटिफिकेशन गजट में भी देना पड़ता है. ये इन्वोक करने के बाद आर्म्ड फोर्सेस जो है वो एड करती हैं सिविल पावर को. जहां पे जो वहां का एग्जिस्टिंग पुलिस सिस्टम है वो जहां पे कामयाब नहीं होता, एक्स्ट्रा एड प्रोवाइड करती है वहां पे आर्म्ड फोर्सेस. ये आर्म्ड फोर्सेस जहां पे आसपा लग जाता है वहां पे 5 से ज्यादा लोगों को असेंबल नहीं होने दिया जाता, वेपन्स कैरी करने की परमिशन नहीं होती. एंड जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है ही कैन ओपन फायर एट एन इंडिविजुअल, जिससे कि
इवन इफ इट रिजल्ट्स इन द डेथ ऑफ दैट इंडिविजुअल. लेकिन ऑफिसर को वॉर्न करना पड़ता है फायर ओपन करने से पहले, एंड ऑफिसर जो है बिना वारंट के अरेस्ट भी कर सकता है, सीज एंड सर्च भी कर सकता है. और अगर उस ऑफिसर पे कभी कुछ एलिगेशन हो और उसके खिलाफ कुछ प्रोसिक्यूशन करना हो तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही परमिशन दे सकता है. नेक्स्ट इज द एशियन डेवलपमेंट आउटलुक इज पब्लिश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन. सो फर्स्ट इज ब्रिक्स, टू एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF. सो द करेक्ट आंसर इज बी, एशियन डेवलपमेंट बैंक. वो पब्लिश कर दिया है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक. Next is consider the following statements regarding the Asian Development Bank. It is headquartered in Manila, Philippines. It is modeled closely on the World Bank and has a similar weighted voting system where votes are distributed in proportion with members' capital subscription. USA has the second highest voting rights in ADB. तो इसमें हमें correct options देखने हैं. पहला सही है, जो ADB का headquarters है वो Manila, Philippines में है. सेकेंड इज ऑल्सो राइट, जैसे वर्ल्ड बैंक में सिस्टम होता है कि जो जितना कैपिटल सब्सक्राइब कर रहा है उसको उतना ही वोटिंग राइट मिलता है, तो सेम एडीबी में है कि अगर मेरे पास 10% मैंने 100 रुपए अगर कैपिटल है उस ऑर्गेनाइजेशन का और 10 रुपए अगर मैंने उसमें से दिए हैं तो 10% का जो वोटिंग राइट है वो मेरा होगा. सो दैट इज द केस विद वर्ल्ड बैंक एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक. एंड थर्ड इज ऑल्सो राइट, यूएसए के पास सेकेंड हाइएस्ट वोटिंग राइट्स हैं क्योंकि उनका सेकेंड हाइएस्ट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है. फर्स्ट जो सबसे हाइएस्ट कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन है वो है जापान का. सो ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर राइट, सो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. नाइन्थ इज ये आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है. द टर्म्स चैत्रा, सुकलाड़ी, उगड़ी, गुड़ी पाड़वा एंड नवारे, जिसे कि हम नवरोज भी बोलते हैं, आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग. दिवाली, न्यू ईयर, दीज आर दी हार्वेस्ट फेस्टिवल्स या नन ऑफ दी अबव. तो जो ये टर्म्स हैं चैत्र, सुकलाड़ी, उगड़ी, गुड़ी पाड़वा एंड नवरोज, ये न्यू ईयर से रिलेटेड है. हिंदू न्यू ईयर है उसको अलग अलग नाम से इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है. इवन जो हिंदूज हैं बाली और इंडोनेशिया के वो इसको नायपी नाम से सेलिब्रेट करते हैं अपने न्यू ईयर को. तो ये जो लिस्ट है, जैसे कश्मीर में नवरोज बोला जाता है, मणिपुर में साजीबू चेराबाओ बोला जाता है, सिंधी में चेती चांद बोला जाता है, तो ये सब नाम का आपको आइडिया होना चाहिए कि ये न्यू ईयर से रिलेटेड है, हिंदू न्यू ईयर से. नेक्स्ट इज द नेवल एक्सरसाइज वरुणा इज कंडक्टेड बाय इंडिया विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री. ए श्रीलंका, बी फ्रांस, सी यूनाइटेड किंगडम एंड डी ईरान. सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी फ्रांस. जो एक नेवल एक्सरसाइज है इंडिया एंड फ्रांस कंडक्ट करते हैं. नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बोधिसत्वा. अ बोधिसत्वा इज अ बुद्धिस्ट डेटी हु हैज अटेन्ड द हाईएस्ट लेवल ऑफ एनलाइटनमेंट बट who delays their entry into paradise in order to help the earth bound. The Bodhisattva, also known as Avalokiteshvara, takes only the male form and is associated with the qualities of mercy and compassion. तो बोधिसत्वा जो है बहुत important है, इसका mention आपका plus one की fine arts की NCRT में भी है. So, the first statement is right, जो Buddhist deity एनलाइटमेंट अटेन कर ले स्टिल वो धरती पे रहे ताकि वो जो लोग अर्थ बाउंड हैं जिन्हें अभी मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है, एनलाइटमेंट नहीं प्राप्त हुई है, उनको हेल्प कर सके, इसलिए वो धरती पे रहते हैं, उन्हें बोधिसत्वा बोला जाता है एंड संस्कृत में उन्हें अवलोकितेश्वरा भी बोला जाता है. बट द सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ऑल्दो उनका नाम ये है लेकिन दे कैन टेक मेल एज वेल एज फीमेल फॉर्म. अब जो बोधिसत्वा है दे कैन टेक मेल फॉर्म एज वेल एज फीमेल फॉर्म. सो द करेक्ट आंसर इज ए, वन ओनली. लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द हंगूल. इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. सेकंड, द IUCN's रेड लिस्ट हैज क्लासिफाइड इट एज क्रिटिकली एंडेंजर्ड. इट इज फाउंड इन द डेंस रिवराइन फॉरेस्ट इन द हाई वैलीज एंड माउंटेन्स ऑफ कश्मीर वैली एंड नॉर्दर्न चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश. तो इसमें भी हमें करेक्ट देखना है. अब ये इम्पॉर्टेंट है दो कारणों से. एक तो ये स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का, दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट. एंड इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगातार कम होती जा रही है, दैट इज वाई इट इज इन द क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट ऑफ द IUCN. दिस इज ऑल्सो राइट. एंड इट इज फाउंड इन द डेंस रिवराइन फॉरेस्ट ऑफ द हाई वैलीज ऑफ द माउंटेन्स ऑफ कश्मीर वैली एज वेल एज द नॉर्थ चंबा डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश एंड द नेबरिंग एरियाज
इस एनिमल को हम कश्मीर स्टैग भी बोलते हैं. इट इज द वन ऑफ द लास्ट स्पीशीज ऑफ रेड डियर जो इस टाइम पे सरवाइव करते हैं, बट दिस इज ऑल्सो क्रिटिकली एंडेंजर्ड. सो दीज वर द क्वेश्चंस ऑफ टुडे. नोटिफिकेशन आ चुका है, आई होप आप जल्दी से इसको 2-3 दिन में ही भर दें, नहीं तो फिर आपको अपने मर्जी के सेंटर्स नहीं मिल पाते हैं. एंड प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग द करंट अफेयर्स थ्रू द प्लेलिस्ट ऑफ फोकस प्रीलिम्स 2020. थैंक यू सो मच.